प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। 21 जून 2018 को मैंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान मैं उस दिन सूरीनाम में था। सूरीनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वहां के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था और ऐसा कहा गया कि शायद वो एकमात्र इतिहास का ऐसा दिन था जिस दिन दो राष्ट्र के राष्ट्रपतियों ने एक साथ मिलकर के योग दिवस का सेलिब्रेशन किया। संयोग से मैं उसके अगले दिन क्यूबा पहुंचा और हम सब लोग जानते हैं कि क्यूबा एक साम्यवादी देश है। एक मान्यता है कि साम्यवादी देश अर्थात वो योग को मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात उसको मानते हैं कि ये किसी संप्रदाय या पंथ से इसका संबंध है, इसलिए मानते भी नहीं। लेकिन क्यूबा के लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किया और जिस समय मैं क्यूबा के राष्ट्रपति जी के साथ एक जो स्टेट बैंक्वेट दिया जाता है, एक परंपरा है, उस समय जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी बात कही कि वो भी उसका अभ्यास करते हैं योग का। और जब उन्होंने पूछा कि एक्सलेंसी हाउ डू यू प्रैक्टिस योगा, तो उनका एक बहुत संक्षेप में उन्होंने इस प्रकार से, हम सब लोग जानते हैं कि हाथों को उन्होंने इस प्रकार से लाइक दिस इज से, ये सूर्य नमस्कार का एक उन्होंने परिचय दिया। तो मुझे ये कहना पड़ा कि यस एक्सलेंसी, इन इंडिया वी कॉल इट योगा। उसके पश्चात मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया और उस सुझाव के अनुसार क्यूबा के राष्ट्रपति को यहाँ से एक हमने ट्रेंड प्रशिक्षित योग शिक्षक, उसकी व्यवस्था की। अंग्रेजी में उनको हमने लिटरेचर भिजवाया और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो व्यवस्था की गई उसके लिए मैं भारत का धन्यवादी हूँ। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि योगा इज द बेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज गिवन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद
तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक है। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित शिक्षा द्वारा भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पतंजलि समूह के संस्थानों में भारतीयता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतीयता का विकास हो रहा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अथ योगानुशासनम इन दो सरल शब्दों से आरंभ करके महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोया, वह समूचे विश्व समुदाय को भारत का उपहार है। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। हमारी परंपरा में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। संस्कृत भाषा में शारीरिक शिथिलता के लिए आलस्य तथा मानसिक शिथिलता के लिए प्रमाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उल्लिखित अन्नमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष की शुचिता हेतु सचेत रहेंगे और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय में आप सबको सुयोग्य आचार्यों का मार्गदर्शन उपलब्ध है। योग पर आधारित जीवन पद्धति व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाती है। पतंजलि विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि करुणा और सेवा के आदर्शों को आप अपने आचरण में ढालकर समाज सेवा करते रहेंगे। करुणा और सेवा के अद्भुत उदाहरण हमारे देशवासियों ने कोरोना का सामना करने के दौरान प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के साथ मानव समुदाय का संघर्ष अभी जारी है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे सभी देशवासियों ने, खासकर कोरोना वॉरियर्स ने, बड़े उत्साह और कुशलता से इस महामारी की चुनौती का सामना किया। आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व के उन थोड़े से देशों में है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के मरीजों की प्रभावी देखभाल की है, अपितु इस बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन का भी उत्पादन किया है। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक उपकरणों की सहायता से चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। आयुर्वेद तथा योग विज्ञान ने सृष्टि द्वारा विकसित
सर्वश्रेष्ठ उपकरण अर्थात मानव शरीर पर गहनता से मनन और शोध किया और शरीर के माध्यम से ही रोग मुक्त और भोग मुक्त होने के प्रभावी मार्ग विकसित किए। सृष्टि के साथ सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव ही आयुर्वेद एवं योग शास्त्र का लक्ष्य है। इस सामंजस्य के लिए यह भी आवश्यक है कि हम सभी प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं तथा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करना हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल द्वारा हमारे देश की ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जा सकेगा। मुझे यह भी बताया गया है कि अन्य देशों से भी विद्यार्थियों का अब इस विश्वविद्यालय में आना शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसी विदेशी विद्यार्थियों के माध्यम से हम भारतीय मूल्यों और संस्कारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। यह 21वीं सदी के लिए नए भारत के उदय में पतंजलि विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने ऐसे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारी संस्कृति को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। स्थापना के बाद की अल्प अवधि में ही पतंजलि विश्वविद्यालय ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती शिक्षकों, विद्यार्थियों और व्यवस्थापकों को हार्दिक बधाई देता। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 60% है और बेटों की संख्या 40% है। विद्यालय में भी जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें भी छात्रों की अपेक्षा बेटियों की संख्या अधिक है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारतीय परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में हमारी बेटियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी छात्राओं में से, हमारी बेटियों में से आधुनिक युग की गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, रोमसा, लोपामुद्रा निकलेंगी जो भारतीय मनीषा और समाज की श्रेष्ठता को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन मैं आपको सिर्फ यह अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया, फटाफट से करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।